हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इज़ अबाउट आवर अपार्टमेंट इन थाईलैंड। सो बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला था अपार्टमेंट टूर करो करके, तो फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक दैट वीडियो। एंड इधर हम लोग पटाया श्री राजा हाईवे साइड सुपलाई कोंडो में रहते हैं। तो इधर तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग का रेंट 12,000 बात। तो एयर रेंट में हम लोग को एकदम सुपर कोंडो मिला है इधर। चलिए देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी से करके। यही हमारा एंट्रेंस ग्रेट, मैं बोले थे ये हाईवे साइड में हमारा कोंडो। तो यही है ओवर ब्रिज एंड दिस वन इज छोटा सा पार्क है इधर। पार्क नॉट एक गार्डन, बच्चों लोगों को खेलने के लिए भी चीज़ है इधर। एंड इधर हर जगह पे, हर बिल्डिंग में, हर लोकल हाउस में वो लोग भगवान के लिए मीन्स एक स्पेस दिया है इधर। तो हर कोंडो में हम लोग के दिखाए मीन्स मिलेगा। एंड ये हमारा कोंडो टोटल 29 फ्लोर, इसमें पूरा फिटनेस सेंटर एंड रूफटॉप गार्डन लॉबी सब कुछ अच्छा से अरेंज किया है वो लोग। तो चलिए हम देखेंगे उसका अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है करके। लेट्स गो इनसाइड। हम लोग अभी एकदम नीचे हैं लॉबी साइड। ये लॉबी एंट्रेंस एरिया, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग छोटा सा छोटा पोंड है, इसमें फिशेस भी है। एंड उसका साइड में बैठने के लिए भी जगह है। उसका दूसरा साइड में छोटा सा गार्डन भी अरेंज किया है वो लोग। एंड ये साइड में हमारा लॉन्ड्री एंड दो ऑफिस भी है इधर, निधि ऑफिस एंड सेल्स ऑफिस। हम लोग को कुछ पार्सल आएगा तो हम लोग इधर आके मीन्स निधि ऑफिस में आके कलेक्ट करके जाना है। डायरेक्ट रूम डिलीवरी नहीं है इधर। कुछ भी मीन्स कुछ सामान है तो वो लोग इधर ही छोड़ के जाएंगे, हम लोग आके लेके जाना है ऊपर। ये हमारा लॉबी एरिया, कॉमन स्पेस। एंड इधर तो एकदम सुपर से सब कुछ अरेंज किया है लोग बैठने के लिए। फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है इधर। घर में बैठ के बोर होने के बाद हम लोग इधर भी आके काम कर सकते हैं। एंड फ्लावर पॉट, सोफ़ा एकदम सुपर डेली इधर एकदम नीट एंड क्लीन से क्लीन करके छोड़ते हैं लोग। एंड इधर एक टेबल है मतलब फूड डिलीवरी करके। इधर हम लोग, मैं पहले बोला था हम लोग पार्सल कुछ ऑर्डर करेगा तो उन लोग निधि ऑफिस में छोड़ के जाएंगे, वही प्रोसेस है इधर भी। फूड डिलीवरी करने के बाद भी वो लोग इधर मीन्स ए टेबल में छोड़ के जाएंगे, हम लोग आके लेके जाना है ऊपर। डायरेक्ट डिलीवरी वो लोग नहीं देती है। एंड यही है हमारा सिक्योरिटी मीन्स फिंगर सिक्योरिटी गेट। इसका अंदर लिफ्ट एंड मेल बॉक्स सब कुछ है। तो लेट्स गो इनसाइड। हम लोग फिंगर स्कैन करने के बाद हम लोग को नाम भी इधर दिखाएंगे, मतलब मेरा नाम रीना चेवरी है। तो लेट्स गो इनसाइड। इस फिंगर सिक्योरिटी गेट के पास हम लोग को मेल बॉक्स करके एक स्पेस है। इधर हम लोग को जो बिल आते हैं ना वो सब कुछ इधर छोड़ के जाएंगे, मतलब निधि ऑफिस से वो लोग इधर छोड़ेंगे। इधर आके हम लोग लेके जाना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एंड रेंट बिल सब कुछ। तो हमारा स्पेस है 21-270 हमारा रूम नंबर। सो इधर भी एकदम लाइटिंग्स एंड एकदम क्लीन नीट स्पेस। ये स्टेयर एंड दिस वे हियर तीन लिफ्ट है इधर। तो इधर भी एकदम फोटो भी अच्छा से मिलती है ये स्पेस में। लाइटिंग्स तो एकदम सुपर है इधर। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट फ्लोर, मीन्स वी आर गोइंग टू सिक्स्थ फ्लोर। सिक्स्थ फ्लोर में है हमारा स्विमिंग एंड जिम एरिया, फिटनेस सेंटर। लेट्स गो। Oh,
हमारा स्विमिंग फिटनेस एरिया, इधर भी इधर दो वॉशरूम है जेंट्स के लिए लेडीज़ के लिए, उसका अंदर भी एकदम सुपर वॉशरूम्स, एंड इधर इधर से ना के उधर से फिर से ना के हम लोग जा सकते हैं। एंड बच्चों के लिए छोटा स्विमिंग पूल, बड़ा लोग के लिए बड़ा भी एरिया है वो लोग। इधर भी हम लोगों को फ्री वाईफाई अवेलेबल है, एंड इधर टाइमिंग है मॉर्निंग 6 to 9, 10, 11 o'clock तक। एंड वो थोड़ा मीन्स स्विमिंग करना है तो स्विमिंग सूट में आके करना है, नॉर्मल ड्रेसेस नॉट अवेलेबल अलाउड हियर। एंड ये हमारा फेवरेट प्लेस, अभी तो एकदम गर्मी है थाईलैंड में, तो इस टाइम में ये स्विमिंग पूल हम लोग को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये है स्विमिंग एरिया, हम लोग जाएंगे रूफ टॉप, उसके बाद हम लोग हमारा मीन्स रूम का अंदर दिखाएंगे। अभी हम लोग रूफ टॉप जाएंगे, 29+ रूफ है इसका अंदर, मैं 6th floor में स्विमिंग पूल, जिम एंड पार्किंग एरिया, 3-4 पार्किंग एरिया है। हम लोग रूफ टॉप पहुंच गए, उसके सामने मीन्स हर फ्लोर में ये बड़ा मिरर हम लोग को फोटो खींचने के लिए एकदम सुपर व्यू है। एंड इसका रूफ टॉप का एक साइड रूफ टॉप गार्डन, एक साइड में बैठने के लिए भी जगह है, इधर भी फ्री वाईफाई, एसी सब कुछ है, मतलब टाइमिंग्स है, वर्क डेज में पूरा दिन नहीं मिलेगा, हॉलीडे से हॉलीडेज में पूरा दिन एसी चालू है इधर, वर्क डेज में मीन्स आफ्टरनून आई थिंक। सो इधर से बाहर का व्यू सुपर व्यूज, मीन्स सनराइज भी दिखाएंगे दिखेंगे, सनसेट भी, एंड इधर इधर बैठने के लिए भी वो लोग एकदम सुपर सा अरेंज किया है। एंड हम लोग को मीन्स फैमिली मेंबर्स को बैठ के टाइम पास करने के लिए भी अच्छा जगह है। खेलने के लिए भी अच्छा प्लेस है, मतलब बैठने के लिए भी जगह है, खाना खाने के लिए भी जगह है, सब कुछ है इसका ऊपर। एंड हम लोग का रूम 18th floor में है, 18th floor, इधर भी सिंगल बेडरूम, स्टूडियो अपार्टमेंट, डबल बेडरूम अपार्टमेंट, सब कुछ है इधर भी, ओपन इधर भी एकदम बड़ा है इधर। एंड इस साइड में हमारा वेस्ट रूम, वेस्ट है तो उसके अंदर डाल सकते हैं। वेलकम टू आवर रूम, ये हमारा 2 BHK कॉन्डो, मीन्स दरवाजे के पास ही है डाइनिंग टेबल, उसका ऊपर में एकदम मीन्स ऑर्किड, एक छोटा सा डेको आइटम भी रखा है। ये लिविंग स्पेस हॉल, एक साइड में
एक डाइनिंग टेबल दिया है एंड वो दूसरा साइड में सोफ़ा सेट एंड टीवी स्टैंड एंड छोटा सा लैपटॉप मीन्स वर्किंग टेबल भी है। ये हॉल के साइड में लेफ्ट साइड में एक बाथरूम है, कॉमन मीन्स वॉशरूम एंड कॉमन वॉशरूम, इसके अंदर मीन्स ग्लास पार्टीशन है। मुझे अच्छा लगा ये स्टाइल एंड एक मिरर एंड ये सोफ़ा एरिया देन टीवी स्टैंड। टीवी स्टैंड में भी मैं ऑर्किड पॉट रखा है, छोटा सा मीन्स फिश टैंक भी है, एक्वेरियम एंड ये हमारा एक बालकनी सोफ़ा सीट की ग्लास डोर है मीन्स स्लाइडिंग डोर एंड इधर से भी हम लोगों को एकदम ये लेमचा बांग का एकदम व्यू मिलती है मीन्स ये बालकनी से। एंड हॉल की लेफ्ट साइड में ये हमारा किचन, छोटा सा किचन, किचन में भी एक बालकनी है मीन्स वर्क स्पेस एंड छोटा सा किचन में पूरा कबोर्ड्स भी दिया है। इधर गैस स्टोव अलाउड नहीं है, हम लोग कुकिंग करना है तो हम लोग को खाली इंडक्शन में ही कुकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ओवन। सो ये लिविंग एंड किचन स्पेस। द टू बेडरूम में एक मास्टर बेडरूम एंड एक किड्स बेडरूम, एक छोटा बेड, एक डबल बेड बेडरूम एंड ये हमारा मास्टर बेडरूम। कर्टिन बेड, ड्रेसिंग टेबल एंड कबोर्ड सब इसका अंदर पहले था, मतलब वो लोग ने पूरा फर्निश्ड हाफ फर्निश्ड होम दिया है। मीन्स व्यूज़ तो ये बेडरूम में मीन्स मास्टर बेडरूम से दो विंडोज है, दो साइड में विंडो है। सो सब मीन्स एकदम व्यू है, लाइटिंग्स मीन्स एयर फ्लो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हियर। एंड ये कबोर्ड में इतना बड़ा नहीं, मीडियम साइज कबोर्ड दिया है। हमारा 2 BHK कोंडो इन थाईलैंड, कोंडो नेम सुप्लाई विस्टा, एकदम सुपर व्यूज़ एंड सामने ही शॉपिंग मॉल, माइक्रो फूड सर्विस पार्क एंड एक साइड में पूरा इंडस्ट्री से। ये हमारा सुप्लाई विस्टा, इसका रेंट 2 BHK कोंडो रेंट 12,000 बात एंड एक्स्ट्रा वाटर बिल, करेंट बिल। This is about our apartment in Thailand.